सभी दोस्तों को जय हिंद, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों, सब फिट होंगे, अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस में लगे हुए होंगे, क्योंकि दोस्तों इस बार निकालना है आपको अपने SCM और ASI स्टेनो का टेस्ट। दोस्तों आई थिंक आपको मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। दोस्तों आपके काफ़ी कमेंट भी आए थे, दोस्तों इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए और वीडियो बना के लाते रहूं और आप मुझे बताते रहें कमेंट करके क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। दोस्तों मुझे बताया मेडिकल की वीडियो पेंडिंग है, वो आएगी दोस्तों मेडिकल की वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी टाइपिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, उसके बाद दोस्तों मेडिकल की वीडियो लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों मेडिकल का टॉपिक जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो एक वीडियो में शायद कवर ना हो, क्योंकि आपके काफ़ी सारे उसमें कमेंट आएंगे मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी डाउट होंगे बच्चों को। तो दोस्तों मेडिकल के लिए भी एक दो वीडियो और लेके आएंगे, ताकि आपके जो है डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करा करें, दोस्तों मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं देखता जरूर हूँ उनको, और दोस्तों बाद में जो है वीडियोज़ में उनको आपके जो जितने भी कमेंट हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि आपको पूरे रिप्लाई मिल जाए। दोस्तों आप आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी डिमांडेड वीडियो है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको बहुत शेयर करें और काफ़ी ज़्यादा अपने ग्रुप में भेजें, दोस्तों काफ़ी बच्चों तक की वीडियो पहुंच सके और दोस्तों उनका भी जो है सिलेक्शन हो सके। दोस्तों आज की वीडियो जो है टाइपिंग मैटर के ऊपर है, जैसा आपने मुझे कहा था टाइपिंग मैटर सर प्रोवाइड करा दीजिए, तो दोस्तों आज मैं टाइपिंग मैटर आपके लेके आया हूँ, और दोस्तों वो टाइपिंग मैटर लेके आया हूँ जो पिछली बार आपके SCM के टेस्ट में आया था और स्टैंडर्ड टेस्ट में दोस्तों बोला गया था। दोस्तों ये इसी प्रकार का जो टाइपिंग मैटर है वो आपका इस बार भी आएगा, श्योर है दोस्तों, इससे हार्ड नहीं आने वाला दोस्तों, इतना ही टाइपिंग मैटर आएगा। और दोस्तों क्या क्या चीज़ें वो देते हैं CRPF हमारे SCM के अंदर, वो दोस्तों आपको अभी से पता होना चाहिए, ताकि आप टाइपिंग प्रैक्टिस करें तो दोस्तों उस तरीके से ही आपका पेपर आए, आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं क्या क्या टेस्ट दोस्तों टाइपिंग मैटर है और किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले दोस्तों आपके कुछ कमेंट्स की बात करते हैं। दोस्तों एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि सर जैसे कि हमारी फ्री 5% मिस्टेक्स माफ़ है और दोस्तों हमारी स्पीड आती है 35 वर्ड पर मिनट की, तो दोस्तों यदि हम ज़्यादा अपनी स्पीड निकालें, हम 50 की स्पीड निकालें, 40 की स्पीड निकालें, तो सर क्या हमारे जो मिस्टेक्स है वो बढ़ जाएगी? तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यदि आपने 40 की स्पीड वहाँ पर निकाल दी तो उसके हिसाब से आपकी 20 मिस्टेक दोस्तों माफ़ हो जाएंगी, ये बिल्कुल सही चीज़ है और ये आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों माइंड में ये चीज़ ये रहे कि आप 50 की स्पीड भी निकालें, अगर मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, कोई ये नहीं बोलेगा हाँ इस बच्चे की 50 की स्पीड है और उसको अंदर कर लो। 35 की स्पीड वाला दोस्तों अंदर हो जाएगा अगर उसकी सिर्फ 5% मिस्टेक्स माफ़ है और आपकी 50 की स्पीड है और आपकी 5% मिस्टेक से ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, तो दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको कितनी ज़्यादा स्पीड चाहिए, सिंपल बताया गया है कि 35 की स्पीड आपको लानी है इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए आपको चाहिए 30 की स्पीड। अब उससे ज़्यादा स्पीड आप लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके अलग से आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कहीं वहाँ पर हीरो नहीं दिखाना है कि जल्दीबाजी में कहीं ज़्यादा स्पीड के चक्कर में दोस्तों कहीं आप मिस्टेक ज़्यादा कर दें, तो इतना रखें कि हाँ मेरी स्पीड भी आ जाए, मैं आराम से पास कर लूँ, क्वालिफाई कर लूँ। दोस्तों एक कमेंट ये आया था कि सर हम पेपर में कुछ लिख सकते हैं जो आपको पेपर कटिंग मिलेगी, क्या उसमें आप पेंसिल से कुछ लिख सकते हैं? दोस्तों आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी जब आप बैठेंगे अपने कंप्यूटर पर कि पेपर पर कुछ भी आपको नहीं लिखना है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपने आपको देखते हुए, हालातों को देखते हुए, कैसा स्टाफ है, कैसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसा ही दोस्तों आपको वहाँ पे कोई ना कोई मिलेंगे जो आपके आसपास घूम रहे होंगे, उनसे बात करके और अपने दोस्तों दिमाग के उससे आप कर सकते हैं, ऐसे से मना नहीं करूँगा, नहीं कर सकते, छोटा बहुत पेंसिल से हल्का सा निशान लगा के बाद में मिटा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और जो अपना स्टाफ हमारा होगा दोस्तों वहाँ पर, उस पर दोस्तों डिपेंड करता है, तो अभी से मैं ना नहीं करूँगा, लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ पर भी डिपेंड ना रहें, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर आपको मिलेगा कि पेपर में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सबके काम आएगी कि सर यदि एक कॉमा हमने नहीं लगाया तो क्या इसकी फुल एक मिस्टेक काउंट होगी? दोस्तों बिल्कुल पूरी फुल एक मिस्टेक काउंट होगी यदि आपने कॉमा नहीं लगाया है, कहीं पे दोस्तों लिखा है हाउएवर और उसके बाद कॉमा हमारा आता है, तो यदि आपने हाउएवर के बाद कॉमा नहीं लगाया तो दोस्तों पूरी एक जो है मिस्टेक्स आपकी काउंट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में स्किप मत करिए करिए, क्योंकि जो मेरे को याद आता रहता है दोस्तों वो मैं बीच में कहीं पे भी बता देता हूँ, तो इसलिए आपके क्या पता कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, जानकारी की चीज़ हो जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाए। अब दोस्तों जैसे मेरे को एक बात और याद आई कि जैसे मान लो सर बहुत बड़ा एक नाम है, इस बार अमन का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कोई और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एंटरप्राइजेज हो गया, बहुत बड़ा नाम है, तो इसका आपने ई की जगह स्टार्टिंग में ही ए लिख दिया, तो अब क्या करें? अब दोस्तों क्या करें कि सीधा आप बैक स्पेस दें, आगे बढ़ जाएं, चाहे दोस्तों आप एंटरप्राइजेस को पूरा लिखें, चाहे आप आधा लिखें, चाहे एक ही वर्ड लिखें, स्टार्टिंग में मिस्टेक करते हैं दोस्तों, वो आपकी एक मिस्टेक काउंट हो गई, उसको पूरे वर्ड को दोस्तों लिख के फ़ायदा नहीं है, आप आराम से बैक स्पेस दें, आगे बढ़ जाएं, आपकी एक मिस्टेक काउंट हो चुकी है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये था कि सर 4 तारीख से आपने बताया था कि टाइपिंग के टेस्ट होने पर एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंटल का लास्ट में हमारा टाइपिंग है दोस्तों, जो हमारी डिपार्टमेंटल का SCM का टाइपिंग है वो 20 के बाद है,
तो दोस्तों 20 से पहले पहले आपकी टाइपिंग को क्लोज करना है, उसके बाद ही मैं डिपार्टमेंटल की लास्ट में टाइपिंग होगी 24-25 के बाद दोस्तों। तो दोस्तों यह है कि इस महीने दिसंबर में आपका टाइपिंग का टेस्ट होना 100% कन्फर्म है। अगर कोई चीज़ और बड़ी बिग दोस्तों अपडेट नहीं आती है या कहीं कुछ और जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है CRPF की, दोस्तों ये जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होना कंडक्ट दिसंबर में 100% है। तो आप अभी से ये मत सोचिए कि टाइपिंग का मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, कब आएगा क्या आएगा, वो दोस्तों आ जाएगा, वो कभी भी एक दिन में आपका टाइपिंग का एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। और जैसे मैंने को बता रखा है नज़दीकी ग्रुप सेंटर में ही दोस्तों आपका सेंटर पड़ेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको दूर भी जाना नहीं है, आपके पास ही सेंटर पड़ेगा। आप सिर्फ ये तैयारी करें कि 10 के बाद 14-15 तारीख के बीच में कभी भी आपका टाइपिंग का टेस्ट हो जाएगा दोस्तों, ये चीज़ कन्फर्म है। अगर 4 को भी नहीं होता है तो इस महीने दोस्तों होना ही होना कन्फर्म है, क्योंकि जैसे थोड़ी डेट बढ़ेगी अरेंजमेंट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये होगा कि पहले फुल अरेंजमेंट हो जाएगा उसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर 4 को भी नहीं थोड़ा लेट होता है तो 10-12 तारीख को भी 100% होना कन्फर्म है। तो इस महीने के लिए बिल्कुल आप रेडी रहे एकदम टाइपिंग टेस्ट के लिए, आप बिल्कुल एडमिट कार्ड की टेंशन छोड़ दें दोस्तों, कभी भी आ जाएगा। जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट दूंगा कि एडमिट कार्ड आ चुका है, लेकिन फिलहाल आप फोकस करें अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस पर। तो एक चीज़ और आती है कि सर हमारा फॉन्ट कौन सा होगा जो हमको पेपर में मिलेगा। दोस्तों काफ़ी बड़ा फॉन्ट होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे मेरे पास ये बुकलेट है और इसका दोस्तों फॉन्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का फॉन्ट आपको दिया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा बड़ा फॉन्ट है हमारा, तो दोस्तों इस तरीके से जो बड़ा फॉन्ट है ये आपको दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 14 का फॉन्ट मिल जाता है आपको, लेकिन घर पे आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो 12 से करनी है, 11, 12, 13 ऐसे करनी है दोस्तों। ज़्यादा बड़े फॉन्ट से घर पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब आपको बड़ा फॉन्ट दिखेगा तो उसमें स्पीड हमारी बढ़ती है, छोटे फॉन्ट में दोस्तों हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो छोटे फॉन्ट से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड वहाँ जाकर बड़े फॉन्ट में और अच्छी तरीके से निकले। इसके बाद दोस्तों स्टैनो के लिए मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, सर स्टैनो के बारे में वीडियो बनाइए अलग से, जैसे आपने बनाई है। कहना चाहूँगा कि स्टैनो सर को लेके मैंने अलग से आपके लिए एक लाइव सेशन लिया था दोस्तों, वो 1 घंटे का है। मेरे चैनल पर जाएं और लाइव सेशन पर जाएं दोस्तों, वो देखें, वो आपके बहुत काम आएगा। उसमें दोस्तों मैंने स्टैनो सर से स्पेशली रिक्वेस्ट करके टाइम निकाल के एक लाइव सेशन लिया था, लाइव आया था दोस्तों मैं उस दिन, और 1 घंटे तक हमारी बातचीत चली थी दोस्तों। उसमें काफ़ी सारे डाउट थे बच्चों के, सब कुछ पूछा था दोस्तों। तो आप एक बार जरूर जाके, जो भी बच्चा स्टैनो की तैयारी कर रहा है उसको जाकर जरूर देखें। और दोस्तों एक वीडियो और है जिसका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी दोस्तों मैंने स्टैनो साहब सर के संग बैठ के बनाई थी, तो दोस्तों उसमें भी काफ़ी चीज़ जो है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा भी दोस्तों कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं फिर से जो है एक वीडियो स्टैनो के लिए जरूर लेके आऊँगा, जो भी चीज़ें आपकी होती है। अब दोस्तों स्टैनो के लिए आपके एक डाउट ये आ रहा था जिसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि सर हम जो लिखेंगे, राइटिंग जो हम करेंगे डिक्टेशन की, उसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में किस तरीके से लिखना होगा? जैसे हमें स्टैनो में लिखना है और कुछ वर्ड आपको याद नहीं आया, मान लीजिए मिसलिनियस लिखना है और मिसलिनियस आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे मुझे बनाना है स्टैनो के लैंग्वेज में, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? तो दोस्तों ये है कि जो आपको पेपर में आप स्टैनो लिखेंगे उसको दोस्तों कोई चेक नहीं करेगा, आप कैसे भी लिख लें, उसमें आप हिंदी भी लिख लें, इंग्लिश भी लिख लें, अपने जो वर्ड बोला गया मिसलिनियस को डायरेक्ट मिसलिनियस लिख लें, उसको दोस्तों कोई चेक नहीं करेगा। चेक करेगा उसको जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा, जो आप एमएस वर्ड में टाइप करेंगे और प्रिंट आउट निकलेगा दोस्तों, उसको चेक किया जाएगा जो डिक्टेशन बोली थी उससे, ना कि जो आपने लिखा है स्टैनो का पेपर उससे। तो दोस्तों आपके पास जो अपने पेपर में आप लिखेंगे स्टैनो, उसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप स्टैनो की लैंग्वेज में लिख लीजिए, कोई आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो वर्ड लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पॉइंट था, जो मैंने आपका क्लियर कर लिया। तो दोस्तों ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है टाइपिंग का आपका पेपर का जो फॉर्मेट है वो आपका आएगा दोस्तों, और किस तरीके से मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें दोस्तों आपको फंसाने वाली हैं। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपका मैटर आएगा, और दोस्तों जैसे मैटर में आप देख पा रहे हैं कॉमा भी लगा है, फुल स्टॉप भी लगा है दोस्तों, और इसमें दोस्तों हाइफन का निशान भी कई जगह आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं आपको टिक करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से ही आपका मैटर आएगा, और दोस्तों आगे चल के देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ है देखने वाली। दोस्तों आपको इन सब चीज़ों के लिए एकदम तैयार रहना है कि किस चीज़ों पे दोस्तों कहाँ पर आपको कैपिटल लेटर का यूज़ किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों हर जगह बीच बीच पे कैपिटल लेटर है, कई जगह पे दोस्तों कैपिटल लेटर का यूज़ किया गया है। और दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नाम लिखा गया है दोस्तों, इसमें भी W फुल स्टॉप, J फुल स्टॉप, और दोस्तों उसके बाद एक जो है स्पेस दिया गया है। तो दोस्तों ये आपको खासकर ध्यान रखना है कि चीज़ों में कहाँ पर दोस्तों स्पेस दिया जा रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्बल के बाद फुल स्टॉप लिखा है और उसके बाद दोस्तों एक स्पेस दिया गया है, तो दोस्तों इसका आपको ध्यान रख। इसके बाद दोस्तों कई दोस्तों का एक मैसेजेस ये आ रहा था कि सर कोई इन्वर्टेड कॉमास फुल स्टॉप के बाद दोस्तों कोई स्पेशल करेक्टर यूज़ होंगे, तो दोस्तों कई जगह हो जाते हैं कई जगह नहीं होते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 बार दोस्तों हमारा जो ये साइन है दोस्तों वो यूज़ हो रखा है, इस तरीके के दोस्तों आपके साइन आ सकते हैं अपने टाइपिंग टेस्ट के अंदर। इसके बाद दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं
कैपिटल लेटर का दोस्तों बहुत जगह यूज़ किया गया है, बहुत ही जगह दोस्तों कैपिटल लेटर यूज़ किया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल तैयार रहें अपने टाइपिंग टेस्ट के लिए कि कैपिटल लेटर आपके कई बार आने ही आने हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखना है कि स्पेस कहाँ पर है, ये गलती दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करनी है कि स्पेस जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर आप स्पेस ना लगाएं। साइन दोस्तों जहाँ पर लगा गया है वहाँ पर साइन आपको ज़रूर लगाना है, और कैपिटल लेटर का दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर लगाया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि कॉमा कहाँ पे लगाया गया है, मान लो दोस्तों आपने यहाँ पे हाउएवर लिखा और कॉमा नहीं लगाया, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एक मिस्टेक काउंट हो जाएगी कि आपने कॉमा नहीं लगाया है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि काफ़ी सारे कैपिटल लेटर बीच में लगाए गए हैं, कॉमा लगाए गए हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाए गए हैं, और दोस्तों कई जगह मैंने देखा कि डॉलर का निशान, इस तरीके दोस्तों निशान भी स्पेशल कैरेक्टर मैंने बीच में डाले गए हैं। दोस्तों ये ज़्यादा नहीं आएंगे, एक पेज में दोस्तों सिर्फ एक ही आएगा। और इसके बाद दोस्तों एक और मेरे को कमेंट याद आ गया, जैसे मेरे को दोस्तों मेरे को बीच में चीज़ें याद आती रहती हैं, तो एक कमेंट ये था कि सर क्या सिर्फ 350 वर्ड हमको देंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको एक पेज मिलेगा, उसको दोस्तों उसके आगे भी लिखा रहेगा और पीछे भी लिखा रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले फ्रंट पेज पूरा टाइप करना है, उसके बाद पेज को पलटी करना है, उसके बाद दूसरा पेज स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा टाइप करना है। दोस्तों ऑलमोस्ट जो है 500 से ऊपर वर्ड आपके लिखे हुए होंगे, तो आप ये टेंशन ना लें कि मैं पूरा पेज लिख दूंगा, मेरे को क्या दोबारा आना पड़ेगा उस पेज पे। दोस्तों इतना नौबत नहीं आने वाली, आप वो पूरा आगे पीछे का पेज ही नहीं लिख पाएंगे, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपने डेढ़ पेज भी लिख दिया तो भी बहुत है आपके लिए, 500 से ऊपर वर्ड होते हैं दोस्तों। तो ये टेंशन छोड़ दें कि मैं पूरा पेज लिख लूँगा फिर मैं दोबारा कैसे आऊँगा, दोबारा लिखना पड़ेगा क्या, क्या होगा, पैराग्राफ आएगा या नहीं आएगा, पैराग्राफ कुछ नहीं आएगा दोस्तों, सिंपल सा पेज आएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने दोस्तों दे दिया है और PDF बना के दिया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों इन सब चीज़ों में, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ज़रूर कमेंट करें कि कैसे आपको मेरी वीडियो लगती है। तो दोस्तों लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, और इससे आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा भी दोस्तों मेरे पास बहुत सारे मैटर हैं, मैटर की मेरे पास दोस्तों कोई कमी नहीं है पूरी, इतना मैटर मैंने इकट्ठा कर रखा है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, 100 पेजेस के अराउंड होंगे। तो आप जो है अभी इनसे प्रैक्टिस करें, फिर मेरे को दोबारा बताएं कि कितनी स्पीड आपकी इनसे निकल रही है। और दोस्तों स्पीड इससे निकलनी ज़रूरी है जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराई है, इससे आपकी प्रैक्टिस की स्पीड आ रही है या नहीं आ रही है दोस्तों, ये प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इसको डाउनलोड दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि इसी हिसाब से ही आपका आएगा दोस्तों टाइपिंग का मैटर। साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक आपका जो है 1 लाख जैसे हो गया, 1 लाख काउंटिंग हमारी, तो उसमें जो कॉमा लगते हैं वो भी आ सकता है, या 5 लाख जो मैंने लिख रहते हैं, 3 और 2, 2 के बाद कॉमा आएगा, फिर 3 डेट के बाद, ऐसे करके दोस्तों कॉमा लगाने के लिए आपका आ सकता है बड़े बड़े डिजिट। ये ज़्यादा नहीं आएंगे दोस्तों, एक पेज में 1 या 2 आ सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। लेकिन दोस्तों इतनी भी ईजी नहीं है टाइपिंग, अब आप मेरे जो मैंने मैटर प्रोवाइड कराया है उसको देख के समझ रहे होंगे कि दोस्तों इतनी ईजी टाइपिंग नहीं है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों प्लीज़ बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।